भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं दुर्ग जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा पर जुबानी हमला करते हुए सवाल किया है कि विधायक महोदय बताएं कि 4.5 साल में आपने अपने विधायक निधि से ऐसा कौन सा यादगार काम कर दिया है जिसे दुर्ग शहर की जनता याद रखे। आपने विधायक बनने के बाद कई घोषणाएं की लेकिन एक भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। भाजपा प्रवक्ता केश चौहान ने विधायक पर नाकामयाबी का आरोप लगाते हुए अपनी बातें इस प्रकार से कही है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया है पिछले 4.5 साल में, नहीं पूरे 9 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके विधायक निधि से आपने एक भी यादगार काम किया हो। विधायक निधि से आपने ऐसी कौन सी सड़क बना दिया है, 3.8 किलोमीटर की सड़क जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के तहत थी वो बनी है, वो भी पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिससे यहाँ की जो जनता है वो आपको फिर से अपने जनप्रतिनिधि सुने। कहाँ गया आपका ठगड़ापन, कहाँ गई आपकी चौपाटी, कहाँ गया आपका डिवाइडर का सुझाना, कहाँ गया आपका तालाब का सौंदर्यीकरण करना, कहाँ है? आपने 1200 से अधिक सफाई कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। वो उनकी मांग थी कि 2300 से जो उनको पारिश्रमिक मिलता है वो कलेक्टर दर से मिलना चाहिए। उनके लिए क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहे। काम चाहिए विधायक जी, काम। आज जनता आपसे काम पूछती है, जो कि आपके 9.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है और इसका माकूल जवाब देगी आपको जनता। और जो आपके सानिध्य में, जो आपके संरक्षण में अपराध बढ़े हैं, आपके सानिध्य में आप लॉ एंड ऑर्डर कोई काम ही नहीं करता। आपकी बातों का जो नौकरशाह है और जो लोग अधिकारी हैं वो आपकी बात मानते ही नहीं है और आपको सीरियसली लेते ही नहीं है। क्यों आपको जनप्रतिनिधि चुना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नए जनप्रतिनिधि के साथ देखिएगा कि दुर्ग का शासन कैसे कारगर होता है और कैसे सुखद अनुभव करती है जनता। मैं KS चौहान, भाजपा उपाध्यक्ष, दुर्ग।